हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हमारे घरों में ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज कैसे आते हैं। अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज, कैसे आते हैं? तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं ये सप्लाई हमारे यहाँ आती कैसे है। हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी स्टार में होती है। वहाँ से हमने आर वाई बी ये तीन फेस ले लिए और एक स्टार वाइंडिंग से न्यूट्रल ले लिया, जिसको ग्राउंड करा गया है। मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा न्यूट्रल को बनाते कैसे हैं, ये स्टार वाइंडिंग से कनेक्ट करके अर्थिंग क्यों करा जाता है और न्यूट्रल में और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस है। तो बात करते हैं हम अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज आते कैसे हैं हमारे घरों में। ये न्यूट्रल और फेस के बीच 230 वोल्ट हैं। 230, 240 या 225 न्यूट्रल और फेस के बीच में हमारे जो वोल्टेज रहते हैं, और लाइन टू लाइन वोल्टेज 415, 400, 420, तो हमने यहाँ 400 ले रखे हैं। कैलकुलेशन के लिए हमें आसानी होगी। बी और वाई के बीच 400 वोल्ट और लाइन वाई और आर के बीच भी 400 वोल्ट। ये लाइन टू लाइन वोल्टेज हैं 400, और वाई और न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट, आर फेस और न्यूट्रल के बीच भी 230 वोल्ट। हम तीनों फेसों को न्यूट्रल के साथ में अलग अलग वोल्टेज, हमारे तीनों के साथ में ही 230 वोल्ट होंगे और लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा हमारा 400। हमने यहाँ तीन घर बना रखे हैं, ए बी और ये सी। हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करा है वो आर से, आर फेस को सी घर के लिए ले गए हैं और बाई को बी के लिए और बी फेस को ए के लिए। न्यूट्रल हमने तीनों में कॉमन कर दिया है, तो हमारी ए के लिए भी 230 वोल्ट है और बी के लिए भी 230 वोल्ट और सी के लिए भी 230 वोल्ट। अब हमारे घरों में ओवर और अंडर वोल्टेज कैसे आता है, मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे हमारा इसके कारण तो और भी कई कारण हैं इसके, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो न्यूट्रल की प्रॉब्लम से क्या क्या क्रिएट होता है, न्यूट्रल से अंडर वोल्टेज कैसे आते हैं और ओवर वोल्टेज कैसे आते हैं। हमारा न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हमने एक घर का न्यूट्रल को ब्रेक कर दिया, तो इससे बी और सी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा न्यूट्रल यहाँ से कॉमन होकर बी में आ रहा है और यहाँ से सी में भी आ रहा है। केवल हमारी जो सप्लाई कटेगी वो एक ही कटेगी, इससे क्या है क्लियर सप्लाई हमारी ऑफ हो जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक घर की सप्लाई कटने से बी और सी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
अब हम सप्लाई को यहाँ से हमारा न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है, कट जाता है, टूट जाता है, तो होगा क्या? ए पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा 230 वोल्ट न्यूट्रल और फेस के साथ में बन रहा है, यहाँ हमारा न्यूट्रल कनेक्ट है और ए में सप्लाई आ रही है। बी और सी में क्या होगा? सप्लाई तो हमारी बी में भी रहेगी और सी में भी, ये हमारा लोड है। ये ए घर का लोड है, ये बी घर का लोड है और ये सी घर का लोड है। अब होगा क्या? हमारा ये लोड है, इसका रेजिस्टेंस है आर, ये R1 है ए घर का और बी का R2 और सी का R3। जब हमारा यहाँ लोड जो बी घर का है, इसका रेजिस्टेंस 200 ओम होगा और सी का भी 200 ओम होगा, तो वोल्टेज हमारे जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो 400 वोल्ट है, इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 200 वोल्ट रह जाएगा और यहाँ भी 200 वोल्ट ही होगा, क्योंकि जो हमारा कनेक्शन है वो यहाँ सीरीज कनेक्शन हो रहा है। न्यूट्रल ब्रेक होने से ये जो कनेक्शन हुआ हमारा न्यूट्रल, यहाँ जैसे करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, आर के साथ में सीरीज बना रहा है, तो अगर हमारा लोड बी घर का और सी घर का दोनों ही बराबर होंगे तो वोल्टेज भी दोनों घरों के बराबर होंगे। यहाँ अगर 200 वोल्ट है तो यहाँ भी 200 वोल्ट ही होगा। अगर हमारा बी घर का लोड R2 100 ओम होता है, 100 ओम, और सी घर का रेजिस्टेंस 300 ओम होता है, तो जैसे यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वैसे वोल्टेज भी कम ही होंगे, यहाँ 100 वोल्ट होगा और यहाँ 300 वोल्ट। लोड के हिसाब से हमारा लाइन टू लाइन वोल्टेज भी डिवाइड हो जाएगा, 2 B घर पर अंडर वोल्टेज हो जाएगा और सी घर पर ओवर वोल्टेज। इससे क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइस खराब हो सकते हैं और खराब भी हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है ओवर वोल्टेज आने से, बल्ब, TV, फ्रिज, कूलर आदि ये खराब भी हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं अचानक से हमारा लाइट पता नहीं क्या हुआ और सारी चीज़ें खराब हो गई। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? और रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट और पावर कैसे निकालते हैं, तो मैंने इसकी वीडियो पहले बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लें, जिससे क्लियर हो जाएगा वोल्टेज के बढ़ाने से करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा और पावर क्या होगी। ये मैंने वीडियो आप मेरे चैनल इलेक्ट्रिक एंड
टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रिकल पर सर्च मार के देख सकते हैं, और इस वीडियो की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी आपको वीडियो। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी। थैंक यू।